गन्ने की खेती वाला ये जो क्षेत्र है कटंगी विधानसभा का, वो क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। हम आज इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जनमन की बात, इस कार्यक्रम में चुनावी जो हलचल है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम जा रहे हैं इस गांव जहां पर ये गन्ने की खेती होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये खेती होती है। उस गांव का नाम है आंजन बिहरी। ये बोनकट्टा और आंजन बिहरी का ये जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और ज्यादातर यहाँ पर मराठी भाषी लोग होते हैं। हम जानेंगे इनके मन की बात, क्या है इनके मन में, क्या सोचते हैं ये लोग आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे कि सरकारी भी कोशिश करें, मिलती नहीं सरकारी नौकरी जी, पढ़े भी है तो क्या करेंगे, तो पैसे नहीं है डोनेशन के लिए भरने के लिए, एक एक दो दो लाख। अच्छा, एक एक दो दो लाख रुपए अगर देते हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाती है भोजन को, हम गरीब है ना। धान कटाई चल रही है जी भैया। हैं? ये रबी खरीफ का जो लगा था धान, अभी वो वाला कटना चालू हो गया। छोटा धान है कि बड़ा, मतलब बड़ा धान, मतलब वो जो भारी भारी वाला, भारी वाला धान। ये तो आप लोग कटाई का काम करते हो जी? हाँ, रोजी से? हाँ जी। क्या रोजी मिलती है? हमको मिलती है 160। हाँ रोजी। पूरे टाइम यही काम करते हो कि और भी कुछ काम? घर में काम करना पड़ता है जी हमको जाके। कितने बजे निकलते हो घर से आप लोग? 11 बजे। 11 बजे? हाँ, पर 11 बजे लगते ना अपन काम वाले। अच्छा, 11 बजे से 5 बजे तक। 11 बजे से 5 बजे तक सवेरे घर के काम, सब काम निपटा के घर है? अच्छा, तो फिर यहाँ पे आके ये तो मोबाइल चला रहे हैं आप लोग, एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं है? अच्छा, तो अभी क्या खाने की छुट्टी है क्या? जी अभी बैठे हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए बैठे, सवेरे से काम कर रहे थे अभी। हाँ जी। अच्छा, ये मोबाइल वोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें जी? हाँ, वो साड़ी छोड़ी। हाँ? साड़ी जी, साड़ी, साड़ी हो जी, 200 रुपए वाली। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं? 200 वाली ज्यादा नहीं, गरीब आदमी हम। अच्छा हो जी, 500 की नहीं ले सकते, 200 की साड़ी मंगाते हैं आप इससे? कंपनी से मंगाते? मालूम क्या जी, या तो मेरे को नहीं समझता। कौन सी कंपनी है जो उससे मंगाते हो? ऑनलाइन से थी 200 वाली, गरीब आदमी है ना, 200 वाली सही। ऑनलाइन से आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं? अच्छा, देखिए डिजिटल जो इंडिया का जो की बात जो कही जा रही है वो यहाँ पर वाकई गांव में इस वक्त धान काट रही है महिलाएं जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रही हैं और साड़ियाँ मंगा रही है। ये बात वाकई एक तरह से देखा जाए तो विज्ञान जो है इन कुछ वर्षों में इस तरह से लोगों के हाथ में पहुँच गया है और इस तरह से ये मार्केटिंग का जो तरीका है वो भी बदला है। तो क्या कैसे, मतलब क्या क्या खरीदते हो ऑनलाइन में और क्या क्या मंगाते हो बाहर से? कुछ नहीं मंगाते, साड़ी वाड़ी मंगाते हैं बस, क्या करेंगे 200 वाली, वो भी गरीब है तो क्या करेंगे। अच्छा, गरीब आदमी 500 ले सकता है क्या जी? हाँ, तो ले सकता है 200 वाली? हाँ जी, मिल जाती है कैसी भी। अच्छा, पहनने के लिए वो होगी, बस हो गया नई साड़ी। अच्छा, ये बताओ कि क्या बोलते हैं, आपको जो मजदूरी मिल रही है, जो यहाँ पे खेती में जो काम हो रहे हैं, ये आप इससे संतुष्ट हो? इससे ज्यादा मिलना चाहिए मजदूरी की, ये इतना ठीक है? ज्यादा मिलना चाहिए, 200 तक मिलना चाहिए। अच्छा, 200 रुपए मिलना चाहिए। तो इतने में खर्च चलता नहीं है? नहीं चलता जी, फिर भी कैसे भी अपना गुजारा करते हैं चटनी आंधी से। अच्छा, घर खर्च नहीं चलता? कितने लोग हैं घर में? घर में 4 लोग है जी, लड़के की पढ़ाई भी शुरू है, पैसा नहीं पुरता जी। हाँ हाँ हाँ, आते हैं कमाने के लिए माँ बाप। अच्छा। हाँ जी, पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे। हाँ हाँ हाँ, 2 लड़के हैं हमारे तरफ। हाँ हाँ, अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं ना जी। हाँ हाँ हाँ, पैसे नहीं पुरते जी, फिर आते हैं धान काटने, मजदूरी करने। अच्छा, पैसे नहीं पुरते? नहीं पुरते जी, पैसे नहीं पुरते। तो बच्चे पढ़ रहे हैं आपने बताया जी? पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे? वो एक आईटीआई हो गई, एक की। हाँ। और एक 15वीं पढ़ रहा है। अच्छा, 15वीं पढ़ रहा है। तो पैसे लगते हैं? हाँ जी, पैसे लगते हैं जी। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग? वो एक पढ़ता है अभी बालाघाट कटंगी। हाँ। एक की आईटीआई हो गई। हाँ। अच्छा,
कभी उससे नौकरी वोकरी फिर नहीं है जी? नौकरी नहीं है। नौकरी यहाँ मिलती है की नहीं मिलती जी? नौकरी देख रहे है, जॉब देख रहे है तो मिलती सी नहीं। अच्छा, जॉब देख रहे हैं आप? जॉब देख रहे हैं लड़के लोग। अच्छा, लेकिन मिलता नहीं? मिलता नहीं जी। क्यों नहीं मिलता? क्या मालूम जी क्यों नहीं मिलता। तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे कि अभी सरकारी भी कोशिश करें, मिलती नहीं सरकारी नौकरी जी। पढ़े भी है तो क्या करेंगे? तो क्यों नहीं मिल रही? पैसे नहीं है डोनेशन के लिए भरने के लिए, एक एक दो दो लाख। अच्छा, एक एक दो दो लाख रुपए अगर देते हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाती है भोजन को? अभी हम गरीब है ना। कहाँ मिली है? मिलती है सब कुछ। अच्छा, मतलब एक दो लाख रुपए किसको देना पड़ता है? डोनेशन वाले को जी। हम तो हमारे पास एक पैसा नहीं है तो क्या आंख देंगे। अच्छा, मतलब अभी जो एक बात कही जा रही थी, पटवारी जो परीक्षा में हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पैसा लिया गया, ये ऐसा है? हमारे लड़के नहीं भरे। नहीं भरे? नहीं भरे थे जी। कहा जाता है कि पटवारी परीक्षा में बहुत पैसा चला यहाँ पे, ये बात सही है? मालूम नहीं है जी। अभी मालूम बोल रहे थे कि पैसा लगता है नौकरी पाने के लिए, अभी भर रहे हैं। हमारे लड़के बोल रहे हैं हमको 50,000 होना जी, 1,00,000 होना जी, पैसे फॉर्म भरने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हमारे पास। अच्छा, पढ़ाई के लिए? हाँ जी, पैसे नहीं है नौकरी के लिए, ऐसा फॉर्म भरो वैसा फॉर्म भरो, वो पैसे नहीं है जी। मजदूरी करते हैं मजदूरी। तो कभी आपने सरकार से, जो नेता लोग हैं या लोगों से, शासन से कभी आप मांग डिमांड नहीं किए कि भाई हमको पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, सहायता करें? देंगे तो सब तो सर, देते नहीं ना सर, बोलते हैं ना सर। चुनाव आता है तब वो पैसे बांटते हैं वो लोग, तो ऐसे पढ़ाई के लिए पैसे क्यों नहीं मांगते? नहीं मांगते जी, नहीं देते ना जी। रैली में जाते हो आप लोग? गए थे रैली में एक दो बार। कितने पैसे मिले? नहीं जी, हम ऐसे गए थे, ऐसे गए थे। हो जी, रैली में बिना पैसे के? वो कार से गए थे जी, ऐसे ऐसे कार से घूमने गए थे इसलिए चले गए थे। ऐसे पैसे नहीं मिले हमको, कुछ नहीं मिले, हम ऐसे गए थे। भाषण सुनने गए थे जी? भाषण सुनने? किसका भाषण सुनने गए थे आप? प्रशांत बाबू का, कटंगी में। अच्छा, प्रशांत बाबू का भाषण सुनने के लिए गए थे? बहुत अच्छे उन्होंने भाषण दिए। अच्छा, बेचारे ने। तो इस बार क्या लग रहा है, प्रशांत बाबू जीत जाएंगे? हाँ तो बाबा का मालूम, मत कहीं जीत जीत क्यों? क्या बोल रहे हैं? वो सरकार बदलेंगे बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, सरकार बदलेंगे बोलते हैं। सरकार बदलेंगे बोलते हैं? हाँ जी। वो महिलाएं जो यहाँ पीछे काम कर रही हैं, वो भी आवाज देके ये बता रही हैं कि सरकार इस बार बदलने वाली है। तो सरकार कैसे बदलोगे आप भाई? आप तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ किसको वोट देंगे सर? अच्छा, वोट देंगे? हाँ सर। किसको देंगे? अब आप किसी को देते तो क्या हमारा मन है जी, हम किसी को दे सकते हैं? उनका मन है, किसी को भी दे सकते हैं। ये गुप्त मतदान किसी को भी दे सकते हैं, हम काय के लिए बताएंगे किसी के पास हमारा वोट है? गुप्त मतदान होता है। हाँ, फिर हम काय के लिए बताएंगे? लेकिन ये आप तो बोल रहे सरकार बदलने वाली, बदलने वाले, हम भी जानेंगे किसी को देंगे, बहुत सारे खड़े हैं अभी। अच्छा, तो किसको देना चाहिए जो लोग अच्छा काम करते हैं? किसको देना चाहिए? तो कौन अच्छा काम कर रहा है यहाँ? अभी सब अभी अच्छे काम कर रहे हैं, सब बोलते हैं सर ऐसे अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सब बोलते हैं। अच्छा, लेकिन करते नहीं? नहीं करते सर, बाद में। फिर अभी तो आप बोल रहे थे कि सरकार बदलेंगे, तो फिर जो अच्छा काम नहीं करते उनको बदलेंगे, तो जो आएंगे वो अच्छा काम करेंगे, आपको लगता है? अब लगता है सर करेंगे, बेचारे पढ़े लगे हैं सर, जॉब लगा दो। जॉब लगाना है? लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो महिलाओं के, जो कि यहाँ पे धान काट रही है इस वक्त महिलाएं, आप देख रहे होंगे, इनका भी कहना यही है कि सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो रोजगार है, और रोजगार अगर मिले तो वो सरकार अच्छी है, ये मानना है इनका, और यही वजह है कि इस सरकार को ये बदलना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इस बार सरकार बदलेगी मध्य प्रदेश की। ये कौन किसकी सरकार बनेगी ये कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, किसको वोट देंगे ये भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि मतदान तो गुप्त होता है। लेकिन इन महिलाओं का कहना ये है कि इस बार सरकार बदलेगी।